हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल। आज का जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है वह केमिस्ट्री पोर्शन से क्लास 10, वह है केमिकल बॉन्डिंग। एलिमेंट का यह एटम है, ये दूसरा एलिमेंट है, वह हो सकता है वो मेटल हो, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो उन दोनों में क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और जिसके कारण जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो भी हो सकता है, और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो सकता है। और ये दो रीजन मेन है जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक शेयरिंग होगी और एक बॉन्डिंग बनेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जिसके कारण हमें ये भी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होगा बनेगा। तो दैट इज़ द केमिकल बॉन्ड, जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, रिलेशंस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स फ्री रहना नहीं चाहता, या जो एटम्स है वह एक कंबाइंड फॉर्म में रहना चाहते, मॉलिकुलर फॉर्म में रहना चाहता है। तो एक्चुअली क्या है कि केमिकल तब बॉन्डिंग क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझते हैं, यह है आपका एक बेसिक कंसेप्ट केमिकल बॉन्ड का। इसका जो डिफिनेशन है कि ये केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड इज ए लास्टिंग, इसका डिफिनेशन अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कोई भी केमिकल कंपाउंड्स के लिए जो एटम्स आयंस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, उन लोगों के बीच में जिससे एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात है, नंबर वन यह बनता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में भैया, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। ये जो आयंस हैं, अभी बोलिए कि आयंस क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्रिएट होता है आयंस के बीच में, उन दोनों के बीच में बनने के बाद फिर यह आपका आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ये याद रहे, इसे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और दूसरा होता है जस्ट बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स बिटवीन शेयरिंग ऑफ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मतलब वह चाहे तो एलिमेंट सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका केमिकल बॉन्ड। अब आइए आपका केमिकल बॉन्ड के बारे में
हम लोग दो तरह का केमिकल बॉन्ड होता है किस टाइप। पहला है आपका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं आयोनिक बॉन्ड, ये दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। नंबर दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, ये दूसरा है। तो एक यह है और ये दूसरा यह है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा समझाने की कुछ एग्जांपल लेकर के कि कैसे वह क्रिएट होता है। ओके, तो हमने, चलिए मैं देखता हूँ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमने कहा था कि, देखिए हमने थोड़ा सा ऊपर नोट डाउन किया है कि इट इज़ फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड यहाँ दिया हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस। अब ये समझने की बात है कि ये कैसे बनते हैं। सपोज एक सोडियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका 281 होगा, ये चार्ज बनेगा कैसे? तो ऑब्वियसली है कि ये आपका एक यदि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता है, देता है यदि, तो एन ए प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 हो जाएगा। क्लियर? यदि मान लीजिए एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होता है। और ऑब्वियसली कि देख रहे हैं कि यह जो लास्ट ऑर्बिट में हमारा एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये आपका ये इसको दे देगा, मैंने इसको रिलीज करेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि एक शॉर्टेज है जस्ट टू फॉलो द ऑक्टेट रूल, जिसको है हम लोग बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, कि प्रत्येक जो एटम्स है वो चाहता है कि वो उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, दैट इज़ जस्ट टू फॉर्म ए स्टेबिलिटी। तो उस को मेंटेन करने के लिए या तो वह लेता है या तो देता है। तो एक्चुअली जब वो देता है, जैसे सोडियम दे रहा है तो इट बिकम्स पॉजिटिव, और जो यह ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन यह टेकिंग कर रहा है, तो 2 ये क्लोरीन हो गया आपका नेगेटिव, जैसे 2 8 और यहाँ पे 8 हो गया, देख रहे हैं दोनों लास्ट में, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह से जो एक सोडियम एन प्लस बना और एक क्लोरीन बन गया, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ आपका NaCl एक कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से दोनों चीज़ होते हैं। अब लिव्स डॉट के द्वारा भी हम लोग समझा सकते हैं, जैसे सोडियम है ये आपका लास्ट एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है इसका, और या तो ऐसे लेंगे एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का हम लोग लेते हैं, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इससे हम लोग कैसे शो करेंगे यह देखने की बात है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको होगा कि एन ए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये अभी 2 तो एन ए प्लस हो जाएगा, ये क्लोरीन में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है वह एक ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा और फिर हमारा NaCl बनता है। ठीक, ये NaCl कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमारे जो कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारे काउंट्स जो है, जो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट के द्वारा बनाए दिखाया जा सकता है, जैसे NaCl हुआ, आपका कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं हम लोग। नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम, आज मैं एक और बना के दिखाता हूँ समझा करके, फिर देखा जाएगा कि कैसे क्या किया जाए। तो अभी एक दूसरा मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, और ये दूसरा है। अब जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वह कैसे बनता है, बहुत ही ध्यान से देखिए और ये समझने की बात है।
जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, ये जानना पड़ेगा आपको, 2882 ये होता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2A क्या हो जाएगा आपका, Ca और 288A ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। अब इसमें हम लोग दो ठो प्लस कर देते हैं, दिखा देते हैं, क्लियर। अब ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली है कि वह दो उसका होता है 2 और 6। यहाँ देख रहे हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 2 शॉर्टेज है, तो ये क्या करता है, 2 प्लस कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन को। अब ये है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2, ये भी 8 हो जाएगा और ये 2 माइनस होता है। अब लाइए लेविस डॉट के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हुआ होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा। इन दोनों को यदि फिर ऐड हो करके CaO बना देता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा। अब आइए देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो आपका ये मैंने दो ठो डॉट है, क्लियर। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो ये क्या है कि ये अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये यहाँ आ गया मान लीजिए और ये वाला यहाँ आ गया, तो क्या होगा, ये कैल्शियम, ये आपका दो ठो प्लस यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कैल्शियम वाला आपका दो ठो यहाँ यहाँ आ गया और ये दो ठो आपका ये माइनस दे दिया। इस तरह से एक कैल्शियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ। तो इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्रिएट होता है। और ये यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। ओके, थैंक यू।